एक और ग्रेनेड के साथ तैयार रेक्स, आईजीएल को उन्होंने समाप्त भी कर दिया, वेबनेक्स उनको भी डाउन किया जाएगा, एक और ग्रेनेड और इसी के साथ एसटीएलआर की पूरी स्क्वाड का एलिमिनेशन। एक फ्रैग किसी और ने निकाला, वो बिल्कुल मॉड की स्क्वाड की भी शुरुआत काफी बेहतर हुई, ऑलरेडी 5 फ्रैग्स वो निकाल चुके, बट रेक्स ये उनका दूसरा फ्रैग है रिस्को के, बाकी दो खिलाड़ी को स्पॉट किया गया, ओपन से जाने की कोशिश हो सकती है बट किसी और ने सीनियर को वहां पे नॉक कर दिया और इसी के साथ एक और खिलाड़ी नॉक किए गए, दो और खिलाड़ी नॉक किए गए, रेक्स एंड सामिता डाउन, क्लच गॉड एचपी बहुत ज्यादा कम रहेगी बट अभी उनकी भी एचपी कम है, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी, न्यू मैन ईस्पोर्ट हासिल कर सकते हैं अभी तक 7 फ्रैग निकाले जरूर बट अभी तो वहीं से डैमेज आया था, आप इतने ज्यादा ओपन में आकर बैठे तो सही, हिटलर उन्होंने अपना स्प्रे मिस किया, एक बार फिर से उन्होंने डैमेज दिया बट उस खिलाड़ी को नॉक नहीं कर पाए, बट रेक्स आज के दिन में इस खिलाड़ी को कुछ अलग ही गेम आपको देखने को मिलेगा, रेक्स को अपना फ्रैग मिला, हिटलर अभी थे उनको स्पॉट किया गया, हिटलर उनको भी स्पॉट किया गया, डैमेज काफी ज्यादा उन्होंने खुद पे डील कराया, दो फर्स्ट एड हील कर सकते, बड़ा पे 4 रोरिंग लाइन नेगी के ऊपर गए थे, अभी उनको भी डैमेज पड़ा बट सावितार बढ़िया कवर फायर अभी को भी बचाया और साथ ही साथ अपनी टीम के 4 रोरिंग लायंस, उनके एक खिलाड़ी जो बचे हुए थे उनको समाप्त किया गया बट क्लच गॉड डीबीएस का इस्तेमाल किया, उन्होंने टाइप को डाउन किया और देखते ही देखते हिटलर उनको भी नॉक किया जाएगा और अब मात्र अमन एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से और शायद इसके आगे और कुछ कारण